फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ताल डुबकी या ताल बरा बनाएंगे, जो कि पाम फ्रूट या हम लोग ताल बोलते हैं उससे बनता है। यह वेस्टर्न उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल स्नैक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमको यह जो ताल है इससे पल्प निकालना रहता है। ये पका हुआ ताल है, तो इसके लिए हमको चाहिए गुड़ ली हूँ 200 ग्राम, चावल का आटा यहाँ मैं ली हूँ 1 कप, ताल और ऑयल चाहिए हमको डीप फ्राई के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ताल का जो छिलका है उसको हटा देंगे, फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पल्प सब निकाल लेंगे, लेकिन इसमें रेसा रेसा रहता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई जाली या झरा से रब करेंगे इसको, तो इसका जो रेसा है ये ऊपर रह जाएगा और जो पल्प है वो नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये हमारा पल्प रेडी हो गया। एक और बात है, जो कि दाल का जो टेस्ट है थोड़ा सा मीठा, उसके साथ थोड़ा सा कड़वा लगता है ये, तो इसका कड़वापन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये थोड़ा गाढ़ा भी होने लगेगा। इस प्रोसेस से क्या होगा कि एक तो इसका कड़वापन चला जाएगा और पेट भी खराब नहीं होगा। तो इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसमें जो गुड़ लिए थे गुड़ को मिला देंगे और थोड़ा सा नमक मिला देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो अब ये हमारा कुक हो गया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे हम हाथ पे छू सकते हैं वैसे इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम जो चावल का पाउडर लिए थे इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। पकौड़ा का बैटर जैसे रहता है उससे थोड़ा सा ये गाढ़ा रहता है, तो तब तक हम मिलाएंगे इसमें चावल का आटा। और ये चावल का आटा ड्राई वाला पाउडर नहीं है, मैं ठेठरी की रेसिपी में दिखाई थी, अर्षा का जो रेसिपी है उसमें भी दिखाई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। चावल को धो के भिगो के उसको फिर सुखाया जाता है और जब वो सूख जाता है फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, तो ये वो पाउडर है। तो देखिए ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, इसी टाइप का रहना चाहिए। तो तेल को हम गरम कर लेते हैं। ये तेल हमारा गरम हो गया है। अब गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रख लेंगे। अब इसमें गोल गोल करके पकोड़ा जैसे ताल का बरा बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। अब गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको अच्छे से पकने तक कुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ताल बरा रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ताल डुबकी या ताल बरा रेडी हो गया है। ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर और भी नए नए रेसिपी देखना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।